हेलो गाइस, जैसे कि आपको पता है इरिंगल 2.0 की बीटा टेस्टिंग चाइनीज़ वर्जन में चालू हो गई थी, पर उसको खेल मतलब कुछ चुनिंदा लोग जो चूज़ कर गए थे वही खेल सकते थे। बट 25 जून को जो अभी आया ना, ये 25 जून उसको इरिंगल 2.0 चाइनीज़ वर्जन जो गेम फॉर पीस है उसमें ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया और कोई भी उसको खेल सकता है। आप गेम फॉर पीस डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने मोबाइल में खेल सकते हो और इरिंगल 2.0 पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको अब यूट्यूब में वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है यूट्यूबर्स की, मतलब कुछ भी, आप खुद ही गेम फॉर पीस को डाउनलोड करके और यहाँ पर खेल सकते हो अपने मोबाइल में। जैसे कि आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा मतलब इरिंगल 2.0 रिप्लेस कर दिया उसकी जगह पे, जो हमारा है ना उसको पूरा का पूरा रिप्लेस कर दिया। मुझे लगा था कि इरिंगल 2.0 वो अगर मतलब साइड में मतलब कहीं पे दे देंगे पेलोड के पास में, पर इन्होंने रिप्लेस ही कर दिया तो पता चलो छोड़ो। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम कि गेम फॉर पीस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अधिकतर को पता है तो भी फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार आपको, मतलब आप गूगल पर जाइए और मैं इस गेम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, तो आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर पाओगे गेम फॉर पीस। और सिर्फ खेलना आपको, मतलब वहाँ पे खेल के भी आ करोगे आप ज़्यादा, अपने ग्लोबल में भी थोड़े दिनों में आ ही जाएगा। तो गूगल पे जाना और गेम फॉर पीस और उसके पीछे टैप टैप लिखना है, तो वहाँ पर जो फर्स्ट साइट आएगी उस पर क्लिक कर देना, tap.io खुल जाएगी और यहाँ पर गेम फॉर पीस आ जाएगा। ये गेम फॉर पीस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या फिर सीधा डाउनलोड कर सकते हैं, फिर गेम टैप टैप का ऐप डाउनलोड कर लेना जो कि एंड्रॉइड के लिए वहाँ पर आपको मिल जाएगा। गेम फॉर पीस ये रह गया और मैं डाउनलोड कर रखा है, तो ओपन का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर आपको गेम फॉर पीस का बीटा वर्जन भी मिल जाएगा, जो कि बहुत रेयर चांसेस होते हैं मिलने के लिए। जैसे कि गेम फॉर पीस में आपको बताता हूँ बीटा वर्जन डाउनलोड करने के लिए, वहाँ पर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पर बीटा वर्जन में ऐसा वहाँ चाइना के है कि बहुत कम जनों को मिलता है वो क्या कहते हैं खेलने के लिए, तो पता नहीं मैं वापस करूँगा उसके बाद देखूँगा। जैसे कि ये बीटा टेस्ट वाला है तो ये आपको मिल जाएगा वहाँ पर और आप उसको खेल भी सकते हो, तो आपको ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। टैप टैप के ऐप पे आपको बीटा वर्जन भी मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस गेम को डाउनलोड करने के लिए आपको 1.8 GB डाउनलोड करनी पड़ेगी गेम फॉर पीस को, और इसे कोई भी OBB फाइल नहीं, डायरेक्ट APK है इस गेम की, ना तो कोई OBB मिलेगी। आपको इस गेम को डाउनलोड करना और सीधा ही इंस्टॉल करना है। यहाँ पर जैसे कि ये लिख सारे इरिंगल 2.0 भी आ गया है, यहाँ लिख रखा 25 तारीख को। तो इसके बाद आपको इस गेम में लॉगिन करने के बाद 700 या 800 MB और एक्स्ट्रा डाउनलोड करनी पड़ेगी गाइस। और आपको पता ही है इस गेम में लॉगिन करने के लिए या तो वीचैट अकाउंट चाहिए या क्यूक्यू अकाउंट चाहिए, तो आप सबको वीचैट अकाउंट बना लेना और उसमें लॉगिन करना। अगर आपसे वीचैट अकाउंट नहीं बनता है तो मुझे कमेंट में बता देना गाइस, मैं हेल्प कर दूंगा आपकी वीचैट अकाउंट बनाने में। कमेंट कर देना कि नहीं बन रहा, या फिर कोई होता है जिम मांग रहा हो तो वहाँ पर भी आप मेरे को बता देना और मैं आपको बता दूंगा कि वीचैट अकाउंट बनाना। मतलब आपको अगर इस गेम को खेलना है तो लगभग 2.5 GB तो आपके फ़ोन में खाली चाहिएगी, क्योंकि 1.8 तो आप ही डाउनलोड करो, उसके बाद गेम खोलने के बाद 800 MB और डाउनलोड करने की बोलेगा। तो इस तरह से आप पूरा पूरा इरिंगल 2.0 आपके मोबाइल में खेल सकते हो। और यहाँ पर पूरा करेक्टर और पिंग भी थोड़ा ठीक ही आता है, आप अगर खेलोगे तो आपको पता चल जाएगा, और थोड़ा गेम भी स्मूथ है, तो ऐसा कोई ज़्यादा मतलब समस्या नहीं है कि आप नहीं खेल सकते। आपके मोबाइल में VPN की जरूरत पड़ेगी, VPN भी इसमें कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ डाउनलोड करना है उस गेम को खेल लेना, ऐसा कुछ नहीं। और थोड़ा टाइम वेट करोगे तो अपने ग्लोबल वर्जन में आ ही जाएगा, तो ऐसा मतलब उसमें तो और अच्छा स्टेबल होकर आएगा और आपको अपने रिप्लेस भी क्या पता पेलोड की जगह दे दे साइड में, तो और भी हो सकता है। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।